समोसा समोसा रमजान में ज्यादा खाते हैं रमजान समोसा नहीं ये सीन से समोसा है स्वाद से नहीं सीन से समोसा पकोड़ा छोले बिरयानी और तोआना 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 क्या मैसेज किया पहला इन्होंने मुझे मैसेज किया ओला ओला करके रखो इन्होंने मुझे मैसेज किया ओला ये मतलब हेलो होता है शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर तो यहाँ पर आपने पहाड़ों की चट्टानें बोलीविया की पहाड़ों की समझी या फिर पाकिस्तान के पहाड़ों की ये तो ऐसे मतलब जिस तरह बंदे की तरह एक ट्रेजेडी हो जाती है ना ये तो इसी तरह हुआ रास्ते पे जाते हुए कोई इस तरह मिल जाए तो फिर बाद में हाथ पकड़ के ले जाए असल में मसला ये है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ नखरे भी बड़ी करती हैं तो पाकिस्तान के शाहीनों ने कहा कि एंज तो फिर एंज से ही अभी पाकिस्तान दोबारा ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्करनैन शिराज़ी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने एक ऐसा जोड़ा पेशा खिदमत है कि जैसे आप जानते हैं कि आज तक तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से इमदाद लेता आ रहा है, अमेरिका से जो है वो कर्ज़े वसूल करता आ रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान के बाहिम्मत नौजवानों ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन भाभियां जो हैं पाकिस्तान में लाना स्टार्ट कर दी हैं। अभी मेरे साथ एक ऐसे इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक शाहीनों के शहर सरगोधा से है और इन्होंने दिन रात की अनथक मेहनत के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकन भाभी लाने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि आज से पहले भी कई दफ़ा कई पाकिस्तानी इस मैदान में जोहर दिखला चुके हैं, लेकिन जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं ये सबसे यंगेस्ट जो है वो अमेरिकन भाभी जो है पाकिस्तान में ला कर इन्होंने ये मैदान मार लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि वो स्नैपचैट से स्टार्ट हुई, स्नैपचैट पर हेलो ओला से, ओला से होती हुई जो है वो ये स्टोरी फिर वीडियो कॉल पर आकर रुकी और वीडियो कॉल से आगे पाकिस्तानी नौजवान ने अपना टैलेंट दिखाया और उसमें ज़ाहिरन पूछेंगे पता चलेगा शायद थोड़े सस्ते भी हुए होंगे और ये करते कराते जो है बात शादी तक आ पहुंची और हमारी भाभी जो हैं वो अमेरिका से पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई और अभी इनके साथ रिश्ता इज़दिवाज में मुंसलिक हो चुकी। मेरे साथ मोहम्मद ज़ुबैर और उनकी अहलिया मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे उनकी ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। मोहम्मद ज़ुबैर भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर तो यहाँ पर आपने पहाड़ों की चट्टानें बोलीविया की पहाड़ों की समझी या फिर पाकिस्तान के पहाड़ समझे थे? नहीं नहीं, ये तो मैंने को नहीं था सोचा, ये तो ऐसे मतलब जिस तरह बंदे की तरह एक ट्रेजेडी हो जाती है ना ये तो इसी तरह हुआ रास्ते पे जाते हुए कोई इस तरह मिल जाए तो फिर बाद में हाथ पकड़ के ले जाए। अच्छा नहीं, आपको कब लगा कि बस मैंने शादी इन्हीं से करनी है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ आपको पसंद आई कि आप रुक गए? जैसे बंदा होता है ना कि लड़कियाँ तो ज़ाहिर पाकिस्तान में भी बहुत हैं, तो किस चीज़ ने आपको रोक दिया कि बस मैंने इन्हीं से शादी करी? पाकिस्तान में से तो मेरा एतबार उठ गया, मुझे ना पहले भी इस तरह एक लड़की मिली थी तो उसने बड़ा मुझे जलील किया था, उसके बाद मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं शादी करनी है, इसलिए मत आ गई मैंने कहा जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में नहीं करनी, कवारे रह रहे पाकिस्तान में शादी में नहीं करनी। असल में मसला ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां नखरे भी बड़ी करती हैं तो पाकिस्तान के शाहीनों ने कहा कि एंज तो फिर एंज से ही अभी पाकिस्तान दोबारा ले आवेंगे। तो अच्छा, अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टोरी है क्या, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई बात, कैसे आपकी आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, ज़रा डिटेल से नाज़रीन को बताएं, चूँकि और भी इकबाल के शाहीन जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है। इस तरह हुआ कि स्नैपचैट मैं ना यूजली मैं स्नैपचैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जिधर जाना उधर स्नैपचैट स्टिक बना के तो वो सेंड कर देनी सब, बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप ये वगैरह सारी चीज़ें मैंने था इस्तेमाल करता था, मेरा स्टिक रेट बहुत ज़्यादा था तो मैं इसी तरह भेजता रहता था बंदों को। सही है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड थे मेरे स्नैपचैट, इसी तरह ही मैं इनको भी स्टिक्स भेजता था तो मुझे नहीं था पता कि ये मेरी स्टिक्स देती हैं और ये मुझे लाइक करती हैं, इस तरह मुझे नहीं था पता। इन्होंने मुझे काफ़ी देर बाद ना, मुझे नहीं था पता ये मेरी फ्रेंड भी है, ये भी नहीं था मुझे पता। अच्छा, कभी तो मैसेज नहीं किया आपको पहले? मैंने नहीं था मैसेज किया, इन्होंने मैसेज किया मुझे। अच्छा। इन्होंने मैसेज किया मुझे तो क्या मैसेज किया पहला? इन्होंने मुझे मैसेज किया ओला ओला करके रखो, इन्होंने मुझे मैसेज किया ओला, ये मतलब हेलो होता है ये स्पेनिश में, हेलो को कहते हैं, हेलो को ओला कहते हैं। आपको तो मुश्किल पड़ गई होने की, ये कहा गया है इसने मुझे? नहीं, ये मुझे वाकई नहीं था समझ आया ये ओला क्या होता है, ये मुझे नहीं था समझ आया। फिर कैसे पता चला कि ओला में हेलो कह रहे हैं आप? तो मैं ना अपना मेरे कज़न है बिलाल उसके साथ और मेरा एक दोस्त है फिलहाल उसके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्पेनिश में ना
ओला कहते हैं हेलो को, क्योंकि मेरा कज़न है वो दुबई रह गया, उधर उनका वास्ता पड़ता रहता, मुझे नहीं था पता कि ओला हेलो को कहते हैं, तो उसने मुझे बताया, इसी तरह मुझे पता चला। वैसे अमूमन ये होता है ना कि हम गूगल मम्मी से हेल्प लेते हैं, मतलब जो बातें नहीं पता होती बच्चा माँ से पूछता है, आजकल के इकबाल के शहीन गूगल मम्मी से पूछते हैं। जी वो तो बाद में मैंने फिर गूगल से किया था ना, पहले इन्होंने मुझे जब हेलो बोला उसके बाद तो मैंने इनको बोला, मैंने फिर इन्हें इंग्लिश में बोला हाउ आर यू, तो ये आगे से ना इन्होंने मुझे इमोजी हंसने वाला भेजा। इन इंग्लिश नहीं आती थी? इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने पूछा तुम हंस, काम ख़राब हो गया। मैंने पूछा वायर यू लाफिंग, इसने मुझे बताया कि बाद में ना मुझे बताया कि मुझे ना इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, मैंने बोला फिर क्या बोल रही हो तुम, ये बोला कि मैं स्पेनिश बोल रही हूँ। अच्छा, उस मोमेंट में मैंने क्लोज कर दिया, मैंने कहा ये मेरे काम की चीज़ अल्लाह वाले। चलो इंग्लिश होती भी जुगाड़ कर लेते थोड़ा बहुत, स्पेनिश तो फिर ज़ाहिर है। इसी तरह मुझे पता ही नहीं था स्पेनिश के लिए, नहीं था पता, मैंने कहा जी छो पर जान दो जिधर जाने, मैं क्या अल्लाह हाफिज़ जाओ। अच्छा, आपने पुर करा दिया अपनी तरफ से? करा दिया मैंने। तो दूसरे दिन ना मेरा दोस्त बोलता है स्नैक ही बनया उधर। अच्छा, ते फिर मोटिवेशन आ गया। मैं कि यार कुछ भी नहीं, मुझे स्पेनिश नहीं आती, तो मैं किस तरह उसके साथ बात करूंगा। उसने बोला कि गूगल ट्रांसलेटर से ना तू ट्रांसलेट कर इंग्लिश में, वो हो जाता। अच्छा, मैं अच्छा, मैंने फिर गूगल ट्रांसलेटर से मैं शुरू हो गया। मैंने अच्छा मशवरा दिया दोस्त, बहुत अच्छा मशवरा, काम आ गया। मेरा दोस्त है फिजान राजा, उसने मुझे मशवरा दिया कि ये अभी आप दुआएं देते होंगे। बिल्कुल, मैं आज सुबह शाम दुआएं देता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ना आप ये गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो, तो इंग्लिश में आप टाइप करना, तो ट्रांसलेट करके ना उसे कॉपी करके जिस भी जगह पे स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो, जिधर भी हो आप ना उधर पेस्ट कर देना। मैंने इसे बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बात कर लूँगा, फिर मैं गूगल ट्रांसलेटर करूँ। स्पेनिश आती है? मैं क्या भाई स्पेनिश आती है, मतलब कोई रोल ही नहीं, तू जितने भी है। फिर बात स्टार्ट होगी? जी फिर बात स्टार्ट होगी। स्पेनिश में पहले मैं सिर्फ टाइपिंग ही करता था, फिर इन्होंने एक दिन मुझे बोला मैंने ना तुम्हें देखना, मैंने वीडियो कॉल कर ली ना कर ला वीडियो कॉल ना वीडियो कॉल की, तो ना मुझे इसकी समझ लग रही थी ना इसे मेरी समझ लग रही। बात कैसे हो रही थी ऐसे करके? बात नहीं हो रही, बस मैं भी दांत काटने लग गया था, यह भी दांत समझ कोई नहीं आ रही, समझ नहीं थी आने की, कोई भी समझ नहीं थी आ रही, ना मुझे समझ आ रही थी ना इसे समझ आ रही, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी और इसे इंग्लिश नहीं थी आती, इसे स्पेनिश आती। तो ऐसी तरह ही बात चलती रही कोई आठ नौ महीने। चलिए नाज़रीन, एक अच्छी खासी स्ट्रगल है, अच्छी खासी मेहनत है, बहुत मुश्किल काम है, सब्र का फल, बहुत मुश्किल काम है, बता रहा, मेरी आंखें नज़र आ रही हैं, ये रातों को जाग जाग कर ये हल्के हुए हैं, जाग जाग के मेहनत कर कर के जाए, नहीं असल में कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, मीठा, हाँ मीठा होता है, साथ और भी मेहनत भी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है। अभी तक चूंकि आपकी शादी को 1.5 महीना हो चुका है, तो कौन कौन से पाकिस्तानी खाने जो हैं इन्हें उनके नाम भी आते हैं और इन्होंने बनाए हैं या फिर खाए हैं? इन्हें उनके नाम भी आते हैं, इन्होंने बनाए भी हैं, इन्होंने खाए भी हैं। चलिए एक टेस्ट करते हैं। एल प्रिगुंता के कोसिना इन पाकिस्तान दे पाकिस्तानी टिपिकल डिशेस के तो कोसिना समोसा रमजान में ज्यादा रमजान समोसा नहीं ये सीन से समोसा है स्वाद से नहीं सीन से समोसा 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 पकोड़ा पकोड़ा पूछना नहीं चना चाट छोले छोले वैसे हमारी जो पंजाबी है उसको गाली समझा जाती है बिरयानी अच्छा बिरयानी आपको पसंद आई अच्छी लगी तो गुस्सा बिरयानी सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी जितनी चीज़ें आपने बताई हैं खाई हैं मुझ इन तो दो कमीदास पकोड़ा छोले छोले पकोड़ा अच्छा आपने कद्दू खाया कद्दू तमें कद्दू 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 और तुआना नारंगा तुआना नारंगा बोले तुआना बोले तोहाना संदिया नहीं आपने पंजाबी में बोलना है तोहाना पंजाबी तोहाना स्टूडेंट थी और ये पहले इन्होंने शेफ का कोर्स किया हुआ 5 साल का अच्छा और इधर स्पेन में ये करी थी होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर अच्छा तो कभी आपने सोचा था मतलब बात करते हुए कि मेरी यहाँ शादी हो जाएगी पाकिस्तान आ जाएगी
जी शादी का तो नहीं था सोचा, वैसे पाकिस्तान बुलाने का इसे मैंने सोचा हुआ था कि लड्डू फूटते होंगे मतलब नहीं पाकिस्तान बुलाने का मैंने पहले सोचा। La cultura pakistaní, me gusta su idioma, la comida, la vestimenta, también cuando voy a city veo mucho truc-truc. अच्छा ये थूक फेंक रहे हो कहते हैं थू थू बोल के जब जाए शहर तो बहुत ज्यादा रिक्शे नजर आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी अच्छा हम उसे जान छुड़ाते हैं। अच्छा आप अपने जो घर वाले हैं उन्हें यहाँ से कोई मैसेज देना चाहें मेरे बारे में, मेरी को तारीफ करना चाहें कि अच्छा एंकर है, इस तरह से कुछ भी आप तो कह सकते हैं। Para toda mi familia que está allá en Bolivia, que no se preocupen, estoy bien aquí en Pakistán, estoy disfrutando, conociendo este país y voy a, también vamos a ir a Bolivia para que él también conozca a mi familia y que le mando muchos abrazos y muchos besos a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, que los quiero mucho. ये इन्होंने मेरे ख्याल में ना सारी शिकायतें जो यहाँ से थी वो बता दी हैं कि मेरे तो पोछे लगवाए गए। इन्होंने बोला कि ना मैंने इनके साथ बोलीविया भी जाना है और अपनी फैमिली को ये जिस तरह हम बोल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा जपियाँ पपियाँ जपियाँ पपियाँ तो उन्हें मना कर देता फिर दोस्त आज गवाने तो इसी तरह नहीं होगी। मोहम्मद ज़ुबैर आप कुछ कहना चाहें नाज़रीन को, इकबाल के शाहीनों को जो ख्वाहिश रखते हैं दिल में लेकिन घरों में बैठे हुए हैं कि हम क्या करें, कोरोना भी है, छुट्टियाँ भी हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे, हाथों में मोबाइल हैं, तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर उनकी आवाज़ें पहुँचें और उनके पास भी जो है वो इंटरनेशनल भाभियाँ पाकिस्तान आएँ। इतना मुश्किल काम नहीं है ये, इधर वाली लड़कियों से ना 100 दर्जे आसान काम। हाँ जितने देर में इधर की एक लड़की को आपने सेट करना ना उधर की आपने 10 कर लेनी वहाँ पे सेटिंग रेट बड़ा हाई है बहुत ज़्यादा उधर, क्योंकि ना पाकिस्तानी लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि जो है ना सोने होंगे ने सोने भी होंगे ने, तो वैसे भी मतलब उत्थे तो इतना नहीं ना मतलब कोई लड़की लड़का एमी एक दिन दूसरा दूसरे दिन तीसरा इसी तरह लड़के पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया की जगह पर रुक जाते हैं। अच्छा कभी आपने सोचा था कि अमेरिका आपका ससुराल बन जाएगा जिसको हम सुपर पावर कहते हैं? नहीं नहीं अमेरिका का तो नहीं था सोचा पर वैसे मैंने सोचा था मैंने इधर नहीं शादी करनी जो मर्जी। अच्छा। एक दिल उठ गया टूटा हुआ दिल मतलब लेकर आप अमेरिका के पास गए और वहाँ पे हमारी भाभी ने उसे कैच कर लिया। इधर 28 लड़कियाँ हैं सरगोधा डिवीजन में पूरी में। अच्छा 28 लड़कियाँ आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, आउट ऑफ कंट्री से शादी करने के लिए आई हैं, यानी खेप आ रही है बड़ी खेप आ रही है आगे उम्मीदवार। कोई मुश्किल काम नहीं है जनाब, बस लगे रहो इसी काम में। पाकिस्तानों को वाली को ना रिप्लाई नहीं देना तो बाहर की जो भी हो रिप्लाई दे देना जड़ी मर्दी हो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वैसे इनका स्पेनिश नेम जो है वो डैनियला है और अभी पाकिस्तानी जो नाम है वो नूर है। मैं कुछ वर्ड बोलूँगा आपने उसको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। तू मैनू, तू मैनू, बड़ा ही, बड़ा ही, बड़ा, बड़ा ही, चंगा, लगदा, लगदा, वे, वे। अब इन्हें बताया इन्होंने क्या कहा है? स्पेनिश भी नहीं आसान पर ये ना उर्दू बहुत ज़्यादा ना मुश्किल है, जो बंदा इंग्लिश बोलता है या कोई और जुबान बोलता है उसके लिए उर्दू बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा वैसे भी एक फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का ना कि घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी ना इन्होंने समझ आनी है ना अम्मा जी ने समझ आनी बिल्कुल अमन अमान से जो है वो टाइम गुजरेगा। तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स जो हैं वो पहले किसकी तरफ से कहे गए थे? ये सच्ची सच्ची बात मैं नहीं किया था। अच्छा अभी आपने स्पेनिश में इन्हें वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने तियामोमुचो क्या गए इन्होंने बोला मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार। हाँ हाँ आप स्पेनिश में कोई इन्हें गाना जो है वो डेडिकेट करना चाहें अपनी तरफ से कोई स्पेनिश तो कांता रे मुसिका इन स्पेनियल Esos ojitos lindos hechiceros se parecen a un lucero. Esos ojitos lindos hechiceros se parecen a un lucero. माशाल्लाह हो गया माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा हमें आपका गाना सुन के। ऐसा गाना मैंने वाकई कभी नहीं सुना था, पहली दफ़ा सुना है और समझ को नहीं आई। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद। नजीन, अगर आप चाहते हैं कि स्वीट से कपल के डेज एंड जो भी इनके लाइफ है जैसे स्पेंड हो रही है जानना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल है जी, यूट्यूब चैनल है बोलिवियाना इन पाकिस्तान, और ये इंस्टाग्राम भी यही है बोलिवियाना इन पाकिस्तान, फेसबुक पे भी यही है। आज तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुल्कर एंड शिराज़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निखेबा।